अभी ADCs को एक पावर हमने ओवरराइडिंग पावर दी है कि किसी प्रकार की भी सर्वे के बाद या कोई डॉक्यूमेंटल डाटा अपडेशन का जो सिस्टम है उसके बाद ADC को फिर भी लगता है, कोई कंप्लेनेंट वहाँ पहुँचता है कि मेरा तो इन सब बावजूद इनकम कम है, तो वो अपने सिस्टम से वेरीफाई करा करके फाइनली हर प्रकार की उस इनकम का जो वेरिफिकेशन है उसके ऊपर ओवरराइडिंग पावर ADC को दी गई है। ADC फिर भी उसको कम करना चाहे तो करके उसको अपलोड कर सकता है। परिवार पहचान पत्र हमारी बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है पूरे देश में, हमने जो 3 साल पहले इस काम को शुरू किया था और अब उसका जो भी एक फाइनल स्वरूप निकल करके आ गया है। जितनी भी सरकारी सेवाएँ योजनाएँ हैं, प्राय 500 से ऊपर ऐसी योजनाएँ और सेवाएँ जो परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ करके ही मिलती हैं, हरियाणा का जो नागरिक है वो इससे लाभान्वित हुआ है। चाहे उसमें राशन कार्ड हो, चाहे उसमें ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे उसमें आयुष्मान भारत हो, अथवा चिरायु योजना हो, अथवा कोई किसी को फर्द लेनी है, किसी को कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, किसी को इनकम सर्टिफिकेट लेना है, हर प्रकार की सेवाएँ अब इसके माध्यम से मिलती हैं। जो लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे सरकारी कार्यालयों के या अधिकारियों के, वो बहुत कम हो गए, मिनिमम हो गए हैं। अभी भी छोटी मोटी जो कठिनाइयाँ बची हैं उसको अब सॉल्व करने के लिए काफ़ी चर्चाएं हमारी आज भी हुई हैं, बहुत जल्दी उन चीज़ों को हम ठीक करेंगे। आज परिवार पहचान पत्र जो अथॉरिटी है इसकी एक मीटिंग वर्ष में करनी होती है, तो आज एक वार्षिक मीटिंग उस अथॉरिटी की थी और इसके अंदर जो कठिनाइयाँ उसके ऊपर विचार किया गया है, विशेष तौर पर इनकम के नाते से जो कठिनाइयाँ हैं, लोगों के डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि जो पहले से सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम है उसको बाद में वेरीफाई किया जाता है, लोकल कमेटी वेरीफाई करती है, सेक्टर कमेटी वेरीफाई करती है, जोनल कमेटी उसके ऊपर रिकमेंड करती है उसको, और बाद में उसको फाइनल माना जाता है कि ये चीज़ वहाँ से रिकमेंड होकर के आई है वेरीफाई करने के बाद। और उसमें कुछ लोगों ने अपनी इनकम जो कम दिखाई है वेरीफाई करने के बाद उनकी ज़्यादा मिली है, तो निश्चित रूप से उसको ठीक किया गया है। और फिर जो उनकी शिकायतें ग्रीवेंसेज होती हैं उन ग्रीवेंसेज को भी सेक्टर कमेटी में शिकायत देता है व्यक्ति, और अल्टीमेटली ADC लेवल के ऊपर उसको फाइनल किया जाता है। अभी ADCs को एक पावर हमने ओवरराइडिंग पावर दी है कि किसी प्रकार की भी सर्वे के बाद या कोई डॉक्यूमेंटल डाटा अपडेशन का जो सिस्टम है उसके बाद ADC को फिर भी लगता है, कोई कंप्लेनेंट वहाँ पहुँचता है कि मेरा तो इन सब बावजूद इनकम कम है, तो वो अपने सिस्टम से वेरीफाई करा करके फाइनली हर प्रकार की उस इनकम का जो वेरिफिकेशन है उसके ऊपर ओवरराइडिंग पावर ADC को दी गई है। ADC फिर भी उसको कम करना चाहे तो करके उसको अपलोड कर सकता है। इस प्रकार की जो शिकायतें हैं अभी जो पेंडिंग हैं, लगभग 2 महीने में आज हमने जो तय किया है कि हर एक शिकायत को निपटारा करके उसको कंप्लीट किया जाएगा, जो इस प्रकार के सारे विषय हैं। ग्रेवेंसेस इस नाते से जो लोग इस प्रकार के किसी प्रकार के ग्रेवेंस अपने परिवार पहचान पत्र को ठीक कराने के लिए, मानो कोई एड्रेस गलत है, टेलीफोन नंबर गलत है, कहीं नाम की गलती है, कुछ और है, ये ग्रीवेंसेस भी अभी तक 864,000 ग्रीवेंसेस आई थी, जिसमें से 818,000 ये ठीक कर दी गई हैं, और बाकी जो बची हैं लगभग 46,000 इनको भी अगले इस 2 महीने में इसको भी ठीक कर दिया जाएगा, ताकि कोई ग्रीवेंस किसी को इस प्रकार की न रहे। फिर भी एक रेगुलर सिस्टम, कोई भी अपडेशन है, कोई चीज़ उसमें कम ज़्यादा करनी है, उसको रेगुलर तरीके से ADC की अध्यक्षता में वो सब कमेटियां लगातार इसको करती रहेंगी। सेटिस्फेक्शन ग्राहक की है कि नहीं, यानी कस्टमर कहूँगा जो कंप्लेनेंट है उसकी ग्रीवेंस की सेटिस्फेक्शन हुई है कि नहीं हुई है, इसके लिए कॉल सेंटर भी बनाने के लिए मैंने कहा है कि कॉल सेंटर बनाया जाए, ताकि कोई भी कंप्लेंट करता है उसकी ग्रीवेंस को रिजॉल्व करने के लिए डिपार्टमेंट तो करता है, लेकिन उसकी सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है उसको भी शुरू कर दिया जाएगा। और हर एक जो ग्रीवेंस जिसको यहाँ पर जिसकी लुकआउट कर लिया जाता है उसके लिए उस कंप्लेनेंट को फ़ोन करके उसका सेटिस्फेक्शन लेवल ये भी उसमें से देखा जाएगा।